सैनिक हमारे देश के गौरव हैं, ये बात केंद्र में मोदी सरकार भी कह रही है, लेकिन अगर धरातल पर देखा जाए तो सैनिकों को परेशान किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पोंटा साहिब में आया है। पोंटा साहिब के डून वैली स्कूल में पूर्व सैनिक को पिछले दिनों से अपने बच्चे के टीसी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कभी एक बच्चे का नाम गलत तो कभी दूसरे बच्चे का नाम गलत कर दिया जाता है। इस मामले में जब पूर्व सैनिक अभिभावक ने एसडीएम पोंटा साहिब से शिकायत की तो वहां से भी उसे आश्वासन देकर लौटा दिया गया। पोंटा साहिब के कई निजी स्कूलों में अभिभावकों को टीसी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कई स्कूल टीसी के पैसे भी काट रहे हैं, इसके बावजूद भी टीसी में कोई न कोई गलती कर देते हैं, जिससे अभिभावकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि जिस स्कूल में अध्यापक बच्चों का नाम भी सही से नहीं लिख सकते, उस स्कूल में बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। पूर्व सैनिक ने प्रदेश सरकार से जोरदार आग्रह किया है कि उनकी इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा उनके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। और इसकी शिकायत उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी व शिक्षा मंत्री को शिकायत पत्र लिखकर भेज दिया है व उचित कार्रवाई की मांग की है। मीडिया द्वारा इस मामले को उठाने पर स्कूल प्रधानाचार्य बात करने में आनाकानी कर रहे थे, वहीं एसडीएम पोंटा भी मात्र आश्वासन देकर बात को टाल रहे थे। अब देखना ये होगा कि मीडिया द्वारा उठाए गए इस मामले पर प्रदेश सरकार कितना संज्ञान लेती है, कब इन प्राइवेट स्कूलों के ऊपर शिकंजा कसती है। सोलन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भरत साहनी ने की। इस मौके पर भरत साहनी ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को जमकर घेरा और ये आरोप लगाए कि सोलन की जनता ने जिस उद्देश्य से उन्हें चुना था वह उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कभी भी जनता के बीच नहीं रहे, इसलिए उनकी समस्या जस की तस रही, इसलिए वे विधायक होते हुए पूरी तरह से असफल रहे। भरत साहनी ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि जो व्यक्ति बतौर विधायक पूरी तरह से असफल रहा, वह आज लोकसभा बतौर सांसद बनना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे धनीराम शांडिल से तीन सवाल पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले तो वे यह बताएं कि वे विधायक काल में सोलन में कहां रहे, उनका स्थायी पता क्या था, क्योंकि जनता उनको 5 वर्ष तक लापता समझ रही थी। दूसरा, उन्होंने विधानसभा में सोलन के लिए कितने प्रश्न किए और कितनों का कोई हल निकल पाया। उन्होंने कहा कि केवल रेस्ट हाउस में आते थे और चंद लोगों से मुलाकात करते थे, यही वजह है कि वे बतौर विधायक असफल रहे, तो वे बतौर सांसद कैसे सफल हो सकते हैं। सोलन में सिटी कांग्रेस ने भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल से पूछे गए तीन सवालों पर पलटवार किया और कहा कि उनके नेता जमीन से जुड़े हैं और वे बड़े बड़े बंगलों में चौकीदार और कुत्तों के बीच नहीं रहे। वे सोलन के पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में रहते थे, जहां कोई भी व्यक्ति सुगमता से पहुंच सकता था। उन्होंने कहा कि उनके विधायक ने करीबन 463 करोड़ विकास के कार्यों पर खर्च किए और शायद ये विकास के कार्य भाजपा पचा नहीं पा रही, लेकिन दूसरी ओर भाजपा को नाकामी छुपाने के लिए सांसद का प्रत्याशी ही बदलना पड़ा। अंकुश सूद ने कहा कि धनीराम शांडिल बेदाग छवि के व्यक्ति हैं और यही वजह है कि वे बड़े आलिशान भवनों में नहीं, रेस्ट हाउस में स्थानीय लोगों से मिलते थे और उनकी समस्याओं का हल करते थे। अंकुश ने भाजपा नेताओं को घेरते हुए कहा कि उनके नेता धनीराम शांडिल ने 463 करोड़ के कार्य अपने क्षेत्र में किए हैं। अब कांग्रेस ये जानना चाहती है कि भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास के कार्य किए हैं, जिन्हें वे अपनी उपलब्धि मान रहे हैं।
ने पच्छाद के नारके युवाओं के लिए एक कॉलेज दिया था, लेकिन भाजपा सरकार ने उसे बंद करवा दिया। ऐसे ही सोलन में भी विकास के कार्यों पर भाजपा ने रोक लगा दी है। इसलिए भाजपा विकास नहीं विकास पर रोक लगाने का कार्य कर मतदाताओं को मूर्ख बनाना चाहती है।